रहे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए बहुत सुंदर धुन लेकर के आया हूँ जो कि राग चारुकेशी पर है। दोस्तों, राग चारुकेशी बहुत ही मेलोडियस राग है और ये किसी भी ठाट के अंतर्गत नहीं आता है, ये स्वतंत्र राग है। एक बार इसके आरोह अवरोह समझ लें। ये राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है, यानी कि सात स्वर आरोह में, सात अवरोह में। जैसे कि स रे ग म प द नि सा, स नि द प म ग रे सा, ध नि सा। यानी कि सिर्फ धैवत और निषाद, धा और नि कोमल रहेंगे, शेष सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। स रे ग म प द नि सा आरो अवरो, स नि द प म ग रे सा, ध नि सा। वादी स्वर मध्यम संवादी सा। काल कैरवा पर यह धुन है और ये बहुत सुंदर धुन है। तीन फ्रेज हैं। पहला फ्रेज देखें, गम ध प गम रे सा निध नि रे सा। पहला फ्रेज गम ध प गम रे सा निध नि रे सा। दो बार बजाना, गम ध प धा और नि कोमल रहेंगे, गम ध प गम रे सा निध नि रे सा। दूसरा फ्रेज म प ध नि सा। इस तार सप्तक के साखियों पर तीन माता के ठहराओ। म प ध नि सा गर निध सा गर निध सा म प ध नि सा गर निध सा। फिर तीन मात्रा का म प ध नि सा। तीन मात्रा के ठहराओ गर निध सा। फिर तीन मात्रा के ठहराओ। तो दूसरा फ्रेज भी दो बार बजाना और तीसरा फ्रेज सीधा सा नि ध प ध म ग रे प म ग रे सा, सा नि ध प ध म ग रे प म ग रे सा। इस तरह से आपको बजाना है तीनों फ्रेज। एक बार ग म ध प ग म रे सा नि ध नि रे सा, ग म ध प ग म रे सा नि ध नि रे सा, म प द नि सा गर नि ध सा, म प द नि सा गर नि ध सा, स नि ध प ध म ग रे प म ग रे सा। इस तरह से आपको ये धुन बजानी है।